अरे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में पहला सबक मुकम्मल हो चुका है। दूसरा सबक देखो, मोहसिन इंसानिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका पार्ट वन मुकम्मल हो चुका है और इसका आज हम पार्ट टू पढ़ेंगे। तलबा, सबक देखो शुरू हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरजमीन अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन 1571 ईस्वी को अलील सबा ख़ानदान कुरैश में पैदा हुए। यानी प्यारे नबी कौन है? अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहाँ पे पैदा हुए हैं? अरब के शहर मक्का में। कहाँ पे? अरब का एक शहर है, उसका नाम क्या है? मक्का। अरब के शहर मक्का में 12 रबीउल अव्वल कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल दोशंबे के दिन, दोशंबा यानि पीर के दिन 1571 ईस्वी को अलील सबा यानि ख़ानदान, कौन से ख़ानदान में? कुरैश ख़ानदान में पैदा हुए। पैदाइश से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद, यानि पैदाइश से पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन थे? हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। यानि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने से पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया। इनके वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतल्लिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुतल्लिब। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला। और इनके दादा का नाम क्या है? अब्दुल मुतल्लिब। तो अब्दुल मुतल्लिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रखा था? मोहम्मद रखा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल की हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की हुई, तो वालदा बीबी आमिना भी वफात हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद कितने साल के थे? 6 साल के थे। तब 6 साल के होने के बाद इनकी माँ कौन है? बीबी आमिना का इंतकाल भी हो गया। और इनकी परवरिश कौन करते? देखो, और वो 8 साल के हुए तो दादा भी इस दुनिया के से रुखसत हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद, पैदा होने से पहले इनके वालिद का इंतकाल हो गया, अब्दुल मुतल्लिब का। इसी तरह इनकी परवरिश कौन करे? दादा अब्दुल मुतल्लिब। अब्दुल मुतल्लिब इनकी परवरिश करने के बाद, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे कि इनके वालिदा, इनके वालदा बीबी आमिना, इनके वालदा यानी इनके अम्मी का इंतकाल हो गया। इसी तरह जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे कि इनके दादा का इंतकाल भी हो गया। इसी तरह तब चाचा अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करे। इनके वालिद और इनके माँ बाप और दादा का इंतकाल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन परवरिश करे? इनके चाचा थे। चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। जब 14 साल की उम्र में हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की तरफ तवज्जो किए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? 14 साल के थे, तो उन्होंने क्या करे? तिजारत यानि काम में निकल गए। कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गारे हीरा तशरीफ़ ले जाते थे। यानि 40 साल हो गए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने क्या करते थे? गारे हीरा की तशरीफ़ ले जाते थे। गारे हीरा को बार बार जाते थे और कई कई दिन तक खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहते थे। गारे हीरा क्यों जाते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? के खुदा की इबादत के लिए। अहले मक्का की बेराह रूही पर गौर फरमाते हैं, मक्का के ऊपर ज़्यादा गौर फरमाने लगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गारे हीरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार कुरान मजीद का नज़ुल हुआ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला क्या करे? कुरान मजीद नाजिल करे। कहाँ पे? गारे हीरा में अपनी कुरान मजीद नाजिल हुई और इस्लाम की तबलीग का हुक्म दिया गया। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिए? कि इस कुरान शरीफ नाजिल होने के बाद दुनिया में तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देने के, इस्लाम के बारे में बताने के लिए अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर क्या करे? कुरान मस्जिद का नाजिल करे। यानी कुरान मस्जिद का नुजुल हुआ। इसी तरह इस हिस्से को हमला मुकम्मल करेंगे, अगला हिस्सा कल पढ़ेंगे। अगला हिस्सा पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, इस होमवर्क को कंपलसरी करके बताना है। तुलबा, होमवर्क क्या है देखो। तुलबा, आप लोगों का होमवर्क ये है देखो, कंपलसरी इस होमवर्क को करना है। 6th क्लास होमवर्क, पहला मुख्तसर सवालात के जवाब लिखिए। यानी मुख्तसर बोले तो जवाब क्या करो, आप लोग छोटे लिखो, यानी एक या दो अल्फाजों में लिखो, छोटे छोटे हरफों में, अल्फाजों में लिखो, बल्कि
बड़े जुमलों में मत लिखो, खाली जितना सवाल पूछते उतना ही आंसर लिखो। पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। जो पैराग्राफ पढ़ाई उसमें से ही है आप लोगों के जवाब, दूसरे में से नहीं। मैं अब इससे पहले आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ाई ना, उसमें से ही ढूंढ कर लिखना है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए। पहला सवाल तो कब पैदा हुए इसका जवाब लिखना है, लिख के भेजना है आप लोगों, रिटर्न कंपलसरी भेजना। दूसरा सवाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था आप लोग उस पैराग्राफ में समझे में लिखना। तीसरा, अब्दुल मुतल्लिब कौन थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल मुतल्लिब कौन थे। चौथा सवाल है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम क्या था, वालदा यानी अम्मी का नाम क्या था, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अम्मी का नाम क्या था वो लिखना। इसी तरह पांचवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की, यानी उनकी देखभाल कौन करे, उनके अम्मी अब्बा और दादा का इंतकाल होने के बाद इनकी देखभाल कौन करे, इनका नाम लिखना है। इसी तरह इस होमवर्क को जो जो भी लिखे उन लोगों को जब भी टेस्ट रखा जाता है इसके ओरल के मार्क्स देती मैं, आ रहा ना समझ में, रिटर्न या ओरल दो में से एक के मार्क्स देती। इसलिए आप लोगों क्या करना है, इस होमवर्क को कंपलसरी लिखकर मुझे फिर दोबारा सेंड करो तुलबा। इंशाल्लाह हम तीसरा हिस्सा कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।